बताएं। मुश्किल रास्ता करके जाना पड़ रहा अलैकुम नमस्ते सत श्री अकाल। तो आज एक अनोखा सांप जो पहले मेरे वीडियो पर आपने कभी नहीं देखा होगा, एक सैंड बोआ, जो कॉमन सैंड बोआ, उसके बारे में हम वीडियो आपके सामने दिखाने जा रहे हैं। तो चलिए हम इसको एक घने जंगल में हमारे दांडेली के इसको छोड़ने के लिए जा रहे हैं। आप वीडियो में बने रहिए, आपका रोमांच और खतरों का सामना करना पड़ेगा। देखिए किस तरीके से हमको कितने खतरों का सामना करना पड़ सकता है। ये जो जंगल है एकदम गुफा जैसा आपको नजर आएगा। ये कितना दुर्गम रास्ता है और हम ऐसे जगह पर इसलिए आए हैं कि इस सांप की ये सबसे आदर्श जगह है और ऐसे ही जगहों पर ये सांप पाया जाता है। हमारे साथ है मेरे फ्रेंड इरफान और मैं, दोनों मिलके इसको अभी हम यहाँ पर रिलीज़ करेंगे। रिलीज़ करते वक्त जब इसको बाहर निकालूंगा तो आप देखकर समझ जाएंगे कि ये कौन सा सांप है। ये है कॉमन सैंड बोआ, आप देख सकते हैं इसको। इसको रसल स्वाइपर समझने की भूल कर सकते हैं। तो ये जो है अभी फीमेल है और ये छोटा सा है और ये अभी और भी बड़ा हो सकता है। है कि ये जो है बोआ फैमिली में आता है, ये पाइथन की फैमिली में नहीं आता। तो इसका जो डिज़ाइन आप पैटर्न्स देख सकते हैं, ये देखिए मैं सिर का जो इसका बनावट है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इसकी आंखें बिल्कुल ही सफ़ेद दिखाई देती है और इसका जो मुंह है पूरी तरीके से रसल स्वाइपर की तरह दिखाई देता है और ये फुफकार भी मारता है, लेकिन उतना इसका रसल स्वाइपर की तरह तेज़ नहीं होता। लेकिन ये भी विसिल करता है, ये भी फुफकार मारता है। इसका जो पैटर्न भी है लगभग उसी की तरह दिखाई देता है। इसका जो पिट है यानी कि इसकी जो नाक है पाइथन की तरह से न दिखाई दे के रसल स्वाइपर की तरह इसके पिट दिखाई देते हैं। उसका जो थूथन है आगे का जो हिस्सा जबान जहाँ से लपलपा रहा है वो सेम टू सेम रसल स्वाइपर की तरह चौड़े होते हैं उतने ही। और इसका जो यहाँ का सिर का हिस्सा है ये हिस्सा जो है उसी तरीके से हड्डी उभरी हुई रसल स्वाइपर की तरह दिखाई देती है। लेकिन इसकी जो उसको अलग करने की एक ही इसमें कड़ी है, वो जो इसका सिर है यहाँ से ये गर्दन से लेकर पेड़ तक आते आते स्लोप में होता है। रसल स्वाइपर का स्टेप कट होके फिर उसकी जो ये उसका जो शरीर है वो स्टार्ट होता है चेहरे की जो हड्डी से स्टेप करके, ये यहीं से स्लोप होता है। तो इसमें ये पहचान है और इसका पैटर्न देख सकते हैं। इसका जो पैटर्न है आप इससे आप पहचान सकते हैं कि ये बोआ फैमिली में है। तो ये जो है सैंड बोआ है और ये जो है इसी रेतीली चीज ज़मीन होती है उसी में पाया जाता है। और ये मई से जुलाई के अंदर में डायरेक्ट बच्चे देते हैं। अभी इनका मई में इनका मेटिंग होता है और जुलाई तक बच्चों को जन्म देते हैं। 6 से 8 बच्चे इनके जन्म लेते हैं। तो डायरेक्ट ये बच्चों को जन्म देते हैं, ये अंडे नहीं देते।
तो इसकी यही खासियत है। और वेंटिलेशन से इसकी जो पूंछ है ज़्यादा लंबी नहीं होती, तो ये निशानी है क्योंकि ये जो है ज़मीन पर रेंगने वाले सांप होते हैं, तो ये पेड़ पर रह नहीं सकते, जिसके लिए पेड़ पर चढ़ने वाले जो सांप होते हैं उनकी जो वेंटिलेशन से पूंछ है अपने शरीर के लगभग, यानी कि शरीर से सिर्फ 25% कम होती है पूंछ जो पेड़ पर रहने वाले सांप होते हैं, तो उस हिसाब से ये पेड़ पर नहीं चढ़ सकता। तो इसकी जो हद है इसकी ज़मीन तक ही है, और इसके जो शिकार होते हैं जो ज़मीन पर रेंगने वाले जीव होते हैं। ये जो मैं इसके बारे में जो जानकारी देना चाहता था, मैं समझता हूँ कि आपको इसके बारे में मैंने सही तरीके से जानकारी दी है, और किसी को भी अगर इसके बारे में और जानकारी मालूम हो तो मुझे मैसेज में इसके बारे में बता सकते हैं। तो अभी मैं इसको यहीं पर छोड़ दे रहा हूँ। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। आपसे कहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मैं आपसे विदा लेता हूँ यही कहते हुए, सेव नेचर, सेव स्नेक, सेव एनिमल।